आइए हम लोग सब खड़ा हो जाते हैं। खड़े होकर के ग्रीवा चालन, जो हम लोग बैठ के करते थे ग्रीवा चालन, है ना। तो ये हाथ में ऐसे, हाथ को कमर में ऐसे रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए छाती में शुद्धि को चिपकाना है और सांस भरते हुए पीछे जाना है। एक टिकाएंगे वहाँ, पांच से दस बार, पांच बार गिनती करते हुए रुकेंगे और सांस भरते हुए फिर पीछे की ओर झुकाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर छाती में चिपका देंगे, फिर सांस भरते हुए तीन तीन बार अभ्यास करेंगे। आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो तो बहुत स्लोली करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए जाना और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। अब दूसरा है कान में, इस कान स्पर्श हो भुजा पर, सांस छोड़ते हुए आइए एक साथ करते हैं। सांस छोड़ते हुए रुकेंगे, फिर धीरे धीरे फिर वापस, फिर दूसरे साइड गर्दन के आसपास के सारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उनका प्रवाह वो बेहतरीन होने लगता है, सर्वाइकल में कोई प्रकार का दोष नहीं है। तो ये हम अभी का अभ्यास जो कर रहे हैं ये ग्रीवा चालन, ऐसे हम इसका अभ्यास तीन बार करेंगे, सबका तीन बार। जब भी हम इसका करते हैं तो आंख बंद करके पूरा ध्यान फिर वापस आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ मुड़ेंगे, सांस भरते हुए वापस, आप बाएं तरफ सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए। इसका बहुत पैसा खर्च करते हैं, टेप आ जाता है सर्वाइकल कुंडलाइसिंग बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऐसे तीन। फिर अब घड़ी की सुई की दिशा अब रोटेट करेंगे पूरा, जिसका गर्दन में दर्द हो और कुछ परेशानी हो तो आधा बीच में जाके रुकेंगे। हम अभी हुई घड़ी की सुई की तरफ रोटेट कर रहे हैं, गला को घुमा रहे, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए पीछे की ओर जाना, सांस छोड़ते हुए। आपके ब्रेन से लेकर गर्दन से लेकर सभी को ये मजबूत बना रहे, सारे मांसपेशियों को। अब तीन बार किए, अब तीन बार घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इसका अभ्यास तीन बार। तो गर्दन के आसपास के सारे मांसपेशियों को और वो सारे कोशिकाएं को ऑक्सीजन देने में मदद करता है। अब दूसरा हाथ सामने ले जाएंगे ऐसे, पूरा सांस लेते हुए ऐसा, और फिर वापस वापस ऐसे। तो इसको भी तीन बार करेंगे। फिर एक बार अब इसी में हाथ को ले जाएंगे और ऐसे हाथ को ऊपर, हथेली को आकाश की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हाथ रखेंगे और स्कंद संचालन, ये जो भुजा का पूरा रोटेट करेंगे ऐसा गोल घुमाएंगे, ये जो कोहनी है ना ये स्पर्श होना चाहिए, यहाँ पे कंधा के आसपास के मांसपेशियों को मजबूती लाता है, वहाँ पे जमा हुआ गंदगी को बाहर करता है। हमारे खान पान में जो गड़बड़ी आती है, यूरिक एसिड वगैरह जो ज्वाइंट में जो जम जाता है उसको निकाल, तीन बार किए तीन बार पीछे लेके आएंगे। ये भुजा का दर्द कभी होगा ही नहीं, सारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है ये स्कंद संचालन ऐसा। फिर तीन बार वो सीधा किए, तीन बार उल्टा किए, अब फिर हाथ को सीधा लेते हुए हाथ वैसे मोड़ते फिर वापस।
ये साथ में रोटेट करेगी, पूरा कमर से आएंगे ना, कमर से होते हुए सांस छोड़ते हुए आएंगे और सीधा देखेंगे, सांस भरते हुए वापस, अब दूसरे साइड सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए आएंगे। ये क्या कर रहे हैं, आपके पीठ के दर्द, कमर के दर्द, भुजा के आसपास के मांसपेशियों को ये मजबूत बना रहे हैं। मजबूती के साथ में ऐसे हम अभ्यास करते हैं।